जय श्री कृष्णा टू ऑल। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय अनूप सर। मैं हूं आपकी अपनी प्रियंका मिश्रा। प्रीवियस लेक्चर में हमने 2018 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया था, ठीक है, जिसमें हमने पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट के क्वेश्चन आंसर्स किए थे। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाकर के देख लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो को कीजिए। उसके अलावा आप हमसे अगर ये सिलेबस करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को देख लीजिए, ठीक है। चलिए तो आज का हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम रिवाइज करने वाले हैं जनवरी 2017 का क्वेश्चन पेपर, नॉट जुलाई। जनवरी 2017 की क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने वाले हैं, ठीक है। तो उसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये क्या है, असर्शन और रीजनिंग का ही दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन ही असर्शन और रीजनिंग का आ गया, मतलब कि हमारी असर्शन ठीक है, रीजनिंग या फिर दोनों ही ठीक है, और क्यों ठीक है हमें ये बताना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज क्रिटिकल टू वेल बींग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। SDG जो है वो क्या मतलब ह्यूमन सोसाइटी के लिए वेलबींग होगी? तो यस ऑफ कोर्स होगी, क्योंकि SDG से क्या होगा, हमारे जो मानव है उसका विकास से हो सकेगा। SDG में गवर्नमेंट ने 17 गोल्स को रखा है जो कि हमें 2015 से 2030 तक अचीव करने हैं, है ना। और उससे पहले क्या था, MDG था, जो कि मैंने पिछले क्वेश्चन पेपर्स के रिवीजन में भी बताया था और हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था कि कौन कौन से गोल्स थे। MDG के गोल 2000 से लेकर 2015 तक हमें अचीव करने थे, जिसमें 8 गोल थे। उसके बाद में 2015 से 2030 तक के लिए SDG को रखा गया है ना। MDG में 8 गोल थे, SDG में 17 गोल है। तो फर्स्ट जो पॉइंट है असर्शन जो हमारी, बिल्कुल ठीक है कि इससे ह्यूमन सोसाइटी जो है वो वेलबींग होगी। अच्छा नेक्स्ट, एनवायरमेंटली साउंड पॉलिसीज डू नॉट हार्म द एनवायरमेंट और डिप्लीट द नेचुरल रिसोर्स। जो एनवायरमेंट से रिलेटेड यानी कि हमारे पर्यावरण से रिलेटेड जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं वो हमारे पर्यावरण को हार्म नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि हमें एनवायरमेंट को यानी कि हमारे पर्यावरण को नुकसान से बचाना है, इसीलिए तो हम पॉलिसीज बना रहे हैं। तो उसे नुकसान कैसे पहुंच सकता है ना, तो ये पॉलिसीज नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये भी बिल्कुल ट्रू है। और इससे क्या होगा, जो नेचुरल रिसोर्स है वो डिप्लीट होंगे, बिल्कुल होंगे, इसीलिए पॉइंट जो है बिल्कुल ठीक है, यानी कि हमारी असर्शन और रीजनिंग दोनों ठीक है और दोनों ही कनेक्टेड है। क्यों, SDG के अंदर भी तो रूल्स ही बनाए गए हैं ना जो कि हमें अचीव करने हैं, कुछ टारगेट्स रखे गए हैं जो हमें अचीव करने हैं, तो ये दोनों ही ठीक है। और जो असर्शन और रीजनिंग दोनों कनेक्टेड भी हैं एक दूसरे से, तो सॉरी हाँ दोनों ठीक है, लेकिन आर जो है ना कि रीजन जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, यानी कि बोथ ए एंड आर आर कनेक्टेड, दोनों ही ठीक है, बट लेकिन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग हैं। जहां एक जगह तो हमें एनवायरमेंट पॉलिसीज की बात हो रही है, एक जगह पर जो टारगेट हमने सेट किए हैं SDG के अंदर उनकी बात हो रही है। ओके नेक्स्ट, हमारा इसके मतलब ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, द डोमिनेंट सोर्स ऑफ पोल्यूशन ड्यू टू ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इन अर्बन एरियाज इज, कि अर्बन एरिया में सबसे ज्यादा पोल्यूशन किसकी वजह से होता है। तो हमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए रोड ट्रांसपोर्ट इससे तो होता ही है, नेक्स्ट कॉमर्शियल सेक्टर यानी कि जो कॉमर्स रिलेटेड है हमारी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज वगैरह तो उनमें भी होता ही है नाइट्रोजन ऑक्साइड का मतलब उत्सर्जन। नेक्स्ट एनर्जी यूज इन इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्री में एनर्जी का यूज किया जाता है उससे भी नाइट्रोजन उत्पन्न होता है, पावर प्लांट्स भी होते हैं उनमें भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा किस चीज से होता है वो हमें बताना है इसके अंदर। तो आंसर क्या होना चाहिए, रोड ट्रांसपोर्ट, क्योंकि रोड ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं किसी भी अर्बन एरिया में लगा लीजिए, ठीक है। हमारे जो मेट्रो सिटीज हैं उनमें तो बहुत ही ज्यादा होती हैं, जिसकी वजह से नाइट्रोजन जो है वो फैलती है और इससे क्या होता है काफी ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं और इससे कई बार सांस का खतरा भी होता है ना। तो इसीलिए जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यानी कि रोड ट्रांसपोर्ट है वो बिल्कुल ठीक है इसका आंसर। आपके क्वेश्चन बोर्ड पर नजर आएंगे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वाटर बॉर्न डिसीज। पहली बात वाटर बॉर्न डिसीज कौन सी होती है, वाटर बॉर्न डिसीज वो होती है अगर हमने मतलब खराब पानी का या फिर कीटाणु वाले पानी का यूज कर लिया तो उसकी वजह से हमें हो जाती है, या फिर हमारे आसपास सीवेज वगैरह की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पानी अच्छा हमें नहीं मिलता,
तो भी क्या होता है, मतलब वाटर बोन डिसीज हो सकती है जिनमें हम लोग क्या पढ़ते हैं हेपेटाइटिस, टाइफाइड, क्लोरिया, ये सभी क्या है वाटर बोन डिसीज है। लेकिन जो डेंगू है वो वाटर बोन डिसीज नहीं है, वो किसकी वजह से होता है, गंदी हवा की वजह से होता है। एक वायरल है डेंगू जो है, उससे काफी ज्यादा उसमें क्या होता है कि प्लेटलेट्स कम हो जाती है किसी भी पर्सन के अंदर और जिससे वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है ना। अभी लास्ट ईयर भी काफी सारे डेंगू के केसेस आए थे और इस ईयर भी आए थे। तो ये वाटर बोन डिसीज नहीं है, ये एयर बोन डिसीज है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, ये क्वेश्चन में भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसलिए हमें बिल्कुल स्वच्छ पानी का यूज करना चाहिए या फिर बॉइल्ड वाटर जो है वो पीना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन गवर्नमेंट टारगेट फॉर पावर प्रोडक्शन फ्रॉम स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट बाय द ईयर 2022 इज। इंडियन गवर्नमेंट ने 2022 के लिए स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट क्या रखा, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। हाइड्रो क्या होता है, वाटर से बनने वाली एनर्जी। तो इसके लिए क्या मतलब टारगेट रखा हुआ है, ये टारगेट है 5 गीगावाट का। ओके, कि हमें इतना बनाना है 2022 में। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच कंट्री द रिसेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट ऑन फेसिंग आउट हाइड्रोफ्लोरोकार्बन वाज साइंड। कि किस कंट्री के अंदर इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो हुआ था हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का वो साइन हुआ था। अच्छा, ये हुआ कब था, फर्स्ट अक्टूबर 2016 को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, फर्स्ट अक्टूबर 2016 को हुआ था। कहां पर हुआ था, रवांडा की गाली के अंदर हुआ था। यानी कि अगर हमारा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी मोरक्को के अंदर हुआ था, अगर ये हमारा ऑप्शन ठीक है तो रवांडा ऑप्शन अगर ठीक है तो बाकी के मोरक्को, साउथ अफ्रीका और अल्जीरिया जो है वो रोग ऑटोमेटिक हो जाएंगे। यानी कि इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल हजार्ड इज नॉट हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल। कि इनमें से कौन सी नेचुरल हजार्ड है जो कि हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल नहीं है। तो सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए कि हमें ये बताना चाहिए हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल होता क्या है। तो मेट्रोलॉजिकल क्या है, जो मतलब मौसम वैज्ञानिक होते हैं उसकी मतलब जो हमारी मौसम की स्टडी होती है, हमारे वेदर की स्टडी जहां पर होती है उसे बोलते हैं मेट्रोलॉजिकल। ठीक है, हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल मतलब कि पानी से रिलेटेड जो हम लोग मौसम विज्ञान के जो पर्सन हैं वो उसकी स्टडी करते हैं। तो इसको मेनली क्या बोलते हैं, इट इज अ साइंस डेट स्टडीज साइकिल ऑफ वाटर, जिसमें हम लोग वाटर के साइकिल मतलब कि सबसे पहले क्या होता है, पानी समुद्र के अंदर होता है, फिर वहां से सन की रेस के थ्रू वो वाष्प बन के ऊपर तक जाता है, फिर बादल के रूप में चेंज होता है और उसके बाद क्या होता है मतलब बारिश के थ्रू वापस से नीचे आ जाता है। जैसे यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाती हूँ ना, ये हमारा सी है, ठीक है, हमारा समुद्र है और यह है सन। तो क्या हुआ, इसने वाष्प के थ्रू सन के पास गया, फिर सन से क्या हुआ, यहाँ पर बादल बन गए और आफ्टर सम टाइम जब बहुत ज्यादा गर्मी हुई तो बारिश के रूप में ये वापस समुद्र में आ गया, है ना। तो ये जल वाष्पीकरण है, इस तरीके का कुछ सर्कल होता है। मतलब जब हम इस साइकिल की स्टडी करते हैं तो इसको बोलते हैं हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल। इसके अंदर अगर हम लोग क्लाइमेट चेंज की भी स्टडी करते हैं, मतलब मौसम किस तरीके से चेंज होता है, तो इसको क्या बोलेंगे, इट इज अ प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ये एक मतलब प्रोसेस है उस साइकिल की जिसमें अगर एक एटमोस्फेयर जो हमारे एटमोस्फेयर में होता है, इवेपोरेशन, कंसेंट्रेशन एंड परसेप्शन, मतलब कि जो पानी है समुद्र का उसका वाष्प बन के ऊपर जाना, फिर वाष्पीकरण होना, उसके बाद उसका पिघल करके वापस से मतलब सॉरी बादल के रूप में बनना और उसके बाद उसका वापस नीचे जमीन पर बारिश के रूप में आना। ठीक है, और इससे क्या होता है, मतलब इससे जो हमारा एटमोस्फेयर है वो इंटरेक्ट होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल भी दिए हुए कुछ, स्नो अवेलेंस, इरोजन, ट्रॉपिकल साइक्लोन, फ्लड, ड्राफ्ट, हुरिकेन्स, टोरनेडोस, लैंडस्लाइड्स और मिडस्लाइड्स, और ये सभी क्या होते हैं मतलब हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल की वजह से हो सकते हैं। लेकिन इसमें जो सुनामी है वो हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल की वजह से नहीं होती है। और हमारा क्वेश्चन क्या है, क्या हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल की वजह से कौन सी ऐसी मतलब कौन सा ऐसा नेचुरल हजार्ड है जो हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल की वजह से नहीं होता, तो इसका आंसर सुनामी होगा। लेकिन हम बाकी के भी देख लेते हैं क्या क्या है। स्नो अवेलेंस, स्नो अवेलेंसेस में क्या होता है, जिस सनरेज बहुत ज्यादा आई तो बर्फ का पिघलना शुरू हो जाता है और उसके बाद क्या होता है, नीचे वो बह बह कर पानी के रूप में आता है। कई बार इस तरीके से क्या होता है, ये जब टूट के बर्फ के मतलब पहाड़ियां गिरती है ना, तो उससे काफी ज्यादा नुकसान भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसका सेकंड पॉइंट है सी इरोजन, मतलब समुद्री कटाव। समुद्री कटाव कब होता है, जब अंदर से मतलब ऊपर बहुत ज्यादा गर्मी हो, नीचे समुद्र का पानी हो और वो दोनों इंटरेक्ट हो, उसके बाद वो पानी जब ऊपर जाता है
और तो उससे क्या होता है, हवा बढ़ती है और समुद्र में लहरें उठती हैं, और इससे क्या होता है, समुद्र के आसपास के वाटर का कटाव होता है, सी इरोजन होता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी कि चक्रवाती तूफान, चक्रवाती तूफान भी तभी आते हैं जब नीचे का गर्म पानी ऊपर जाकर मतलब हवा के रूप में चेंज होकर के ऊपर ठंडा हो जाता है जाकर के। उसके बाद क्या होता है, जब मौसम में ना वाष्पीकरण शुरू, वाष्पीकरण सॉरी अरे हाँ ह्यूमस इकट्ठी हो जाती है, और जिसकी वजह से क्या होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन बनना शुरू हो जाता है। तो इसके साथ साथ हमारे आज के 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए, क्योंकि एवरी ईयर 5-5 क्वेश्चंस ही आते हैं पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के टॉपिक से हमारे फर्स्ट पेपर के अंदर यूजीसी नेट के। ठीक है, मे बी आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई भी क्यूरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आपको अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।